डियर स्टूडेंट देखिए, आज क्लास सेकेंड का जो है सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी जो है लेसन टू, माय फ्रेंड माय सन, माय फ्रेंड द सन, ठीक है। इससे को मैंने जो है पढ़ाया था 30 को, 31 को भी हमने इसमें शेयर किया था, बताया था आपको 31 यानी 31 तारीख को। उसमें देखिए आधा लगभग पढ़ा दिया गया था, उसमें से आपको मीनिंग अपने कॉपी पे लिख लेनी है। इसमें देखें आप, क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, बिहाइंड बिहाइंड मीन्स पीछे, की मीन्स घटना, प्लीज प्लीज मीन्स कृपया, प्रॉमिस किया, बाय बाय मीन्स खरीदना, गिव मीन्स दिया, फील महसूस करना, हैप्पी मीन्स पसंद या खुश, ठीक है। आप मीनिंग को अपनी जो है कॉपी में राइट कर लेंगे और जो है इसे अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। देखें यहां पे मैंने पढ़ाया था जो है द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, ये अगेन मैं पढ़ा दे रहा हूं, देखिए क्योंकि स्मृति में पढ़ाया था, लेकिन आज भी देख लीजिए आप। रोहन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन सुबह जल्दी जग गया, He looked out from the window, उसने खिड़की से बाहर देखा, Where is my friend, मेरा मित्र कहाँ है, The sun, यानी the sun, सूर्य मेरा मित्र कहाँ है, He thought, उसने सोचा कि मेरा मित्र सूर्य कहाँ है, ये करा है, रोहन पास है, रोहन दुखी था, He was missing his friend, अपने मित्र को जो है मिस कर रहा था, यानी उसे खो रहा था, कहीं उसे समथिंग इज रॉन्ग विद द सन, ही और ही था, उसने सोचा कि सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है, समथिंग यानी कुछ, समथिंग इज रॉन्ग तब कुछ गलत हुआ है विद द सन, सूर्य के साथ, ही और उसने सोचा, यानी हम इसका संदेश क्या बनाएंगे, ही थॉट, उसने सोचा कि सूर्य के साथ गलत हुआ है, सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है। पीको लेट अस गो द सन, पीको लेट अस गो द सन, रोहन सेड टू हिज पेट पैरेट, यानी अब रोहन ने अपने पालतू तोते से कहा, पीको जल्दी लेट अस गो टू द सन, हमें सूर्य के पास जाना चाहिए, ये कह रहे हैं, दे कम टू द बिग वेल, वे बड़े वेल के पास गए, कैन यू टेक अस टू द सन, क्या तुम हमें सूर्य के पास ले चलोगी, रोहन से रोहन आस रोहन ने पूछा, एस आई कैन द वेल से, वेल ने कहा हाँ मैं ले जा सकती हूँ, वेल स्वयं फास्ट, वेल बहुत तेजी के साथ तैरा, दे वेंट टुवर्ड्स द माउंटेन्स, वे सूर्य के पास पहुंच गए, टुवर्ड्स की ओर पहुंच गए, यानी दे वेंट टुवर्ड्स द माउंटेन, वे पर्वतों के पास पहुंच गए, द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे था, रोहन वेंट नियर द सन, रोहन सन के पास गया, द सन वाज क्राइंग, द सन वाज क्राइंग, सूर्य चिल्ला रहा था, देखिए क्राइंग मीन्स रोना भी होता है, क्राइंग मीन्स चिल्लाना भी होता है, ठीक है, वीट मीन्स रोना होता है, लेकिन कभी कभी आप इस संदेश में देखें जो सूर्य बना हुआ है, सूर्य की नेत्र में आंसू टपक रहे हैं, इससे आप लगाएंगे
कि यहाँ पे क्राइंग, क्राइंग इज रोना, रोने से अर्थ लगाएंगे। द सन वाज क्राइंग, सूर्य रो रहा था। व्हाट्स रॉन्ग सन, रोहन आस्क्ड, रोहन ने पूछा कि क्या गलत हुआ है, सूर्य तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। द सन केप क्राइंग, द सन केप क्राइंग, सूर्य जो है केप मीन्स रखना, कीप मीन्स रखना होता है, केप कीप केप केप, यानी सूर्य रोना जारी रखता है। व्हाट इज समथिंग यू, व्हाट इज अपसेटिंग यू, आस्क्ड रोहन, रोहन ने कहा तुम्हें क्या समस्या है ना। सन केम आउट फ्रॉम द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे से आया। देखिए बिहाइंड इस पीछे होता है, क्लाउड इस बादल है ना, केम आउट बाहर आया, सूर्य बादलों से के पीछे से बाहर आया। माई फ्रेंड साहिल, माई फ्रेंड साहिल डज नॉट गो टू स्कूल एनी मोर, एनी मोर मीन अब, अब मेरा मित्र साहिल स्कूल नहीं गया, नहीं जाता है। प्लीज हेल्प हिम, सेड द सन, सूर्य ने कहा कृपया उसकी सहायता करो। आई विल हेल्प हिम, प्रॉमिस्ड रोहन, रोहन ने कहा कि मैं उसकी, रोहन आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। प्रॉमिस्ड रोहन, रोहन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं उसकी सहायता करूंगा। रोहन वेंट टू फाइंड साहिल, रोहन वेंट टू फाइंड साहिल, रोहन साहिल को खोजने गया। व्हाई डू नॉट यू गो टू स्कूल, व्हाई डू नॉट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। रोहन आस्क्ड रोहन, रोहन ने पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। आई कैन नॉट बाई बुक्स, एंसर्ड साहिल, साहिल ने कहा, साहिल ने क्या किया, एंसर्ड यानी उत्तर दिया, आई कैन नॉट बाई बुक, मैंने अपना बुक नहीं खरीदा है। रोहन टूक साहिल टू हिज होम, रोहन साहिल को लेकर के घर गया। रोहन गेव सम ओल्ड बुक टू साहिल फ्रॉम हिज कपबोर्ड, कपबोर्ड होता है देखिए, कपबोर्ड इसमें दिया है। रोहन गेव सम ओल्ड बुक्स टू साहिल फ्रॉम हिज कपबोर्ड, यानी रोहन ने अपने आलमारी से सोहन को कुछ पुरानी किताबें दिया। रोहन गेव सम बुक्स, रोहन ने कुछ किताबें, अपनी पुरानी किताबें दिया टू साहिल फ्रॉम हिज कपबोर्ड, आलमारी से, यानी इसका मिस हो जाएगा कि रोहन ने अपने आलमारी से पुरानी किताबों को साहिल को दिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, सेड साहिल हैप्पीली, हैप्पीली यानी प्रसन्नता पूर्वक, साहिल ने कहा धन्यवाद, तुम्हें धन्यवाद। थैंक यू मतलब से साहिल हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक, साहिल प्रसन्नता पूर्वक कहा थैंक यू, धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। किसे धन्यवाद देता है, यानी रोहन को धन्यवाद दे रहा है कौन, साहिल। नाउ अब गो टू स्कूल, से रोहन फीलिंग वेरी हैप्पी। नाउ मैंने अब गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलते हैं, से रोहन, रोहन ने कहा फीलिंग वेरी हैप्पी, हैप्पी प्रसन्नता पूर्वक रोहन ने कहा अब स्कूल चलते हैं। साहिल वेंट टू स्कूल, साहिल वेंट टू स्कूल, साहिल स्कूल गया। द सन केम अप, सूर्य बाहर आया, केम अप मैंने आया, द सन केम अप, सूर्य आया। साहिल वॉज हैप्पी, साहिल प्रसन्न था। रोहन वॉज हैप्पी, रोहन
प्रसन्न था भाई, साहिल प्रसन्न था, साहिल वाज हैप्पी, साहिल प्रसन्न था, रोहन वाज हैप्पी, रोहन प्रसन्न था, सन वाज हैप्पी, सुनी खुश था या प्रसन्न था, ठीक है। एवरीवन एवरीवन वाज हैप्पी, प्रत्येक लोग क्या थे, प्रसन्न थे, प्रत्येक लोग क्या थे, प्रसन्न थे। ये जो है आपका माइंड फ्रेम दर्शन ये खत्म होता है, और इससे जो एक्सरसाइज है आपको इससे अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे जो है अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे और इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसे कुछ समझ नहीं आया होगा उसे अगेन बता दिया जाएगा, है ना। और इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कल आपको हम कंप्रिहेंशन चेकअप कराएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसे मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।